इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी और विजय माल्या के रिश्तों पर बड़ा खुलासा हुआ है। और राहुल गांधी भगोड़े विजय माल्या जो भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लूटकर विदेश भाग गया था, उस पर राहुल गांधी अरुण जेटली पर आरोप लगा रहे थे। और उसके बाद अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी और विजय माल्या का जो रिश्ता है उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। क्या राहुल गांधी और विजय माल्या दोस्त थे? इस पर जो सबसे बड़ा खुलासा वक्त बोर्ड के चेयरमैन और वसीम रिजवी ने राहुल गांधी और विजय माल्या के रिश्तों पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। वक्त बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने आखिर क्या कहा अपने बयान में। वक्त बोर्ड को पता चला कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही है, तो हमने उनको नोटिस दिया और हमने फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई और विजय माल्या के खिलाफ FIR करने की कार्रवाई शुरू की। ये बोर्ड के वफ अधिनियम के अनुसार बोर्ड को अधिकार है। तो जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने SSP से मिल के बात की। उस वक्त मिस्टर दुबे SSP हुआ करते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम विजय माल्या जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ना FIR दर्ज करेंगे, ना फैक्ट्री सील करेंगे। तो जब मैंने दूसरे बड़े अधिकारियों से बात करना शुरू की तो मेरे पास ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का फ़ोन आया और उन्होंने राहुल गांधी जी से मेरी बात कराई। उन्होंने कहा कि विजय माल्या जी जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, उनके खिलाफ आप इस तरह की जो कार्रवाई कर रहे हैं ये मत कीजिए। मैंने इसकी शिकायत उस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे भी की कि वक्फ बोर्ड के ऊपर राहुल गांधी जी, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब दबाव बना रहे हैं और जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है मेरे ख्याल से वो भी उन्हीं के दबाव में है, इसलिए FIR वगैरह दर्ज नहीं कर रहा है, इसको FIR दर्ज कराई जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इस खुलासा होने के बाद कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चुप हो गए हैं और वो कुछ बयान देते नज़र नहीं आ रहा उनसे, क्योंकि राहुल गांधी और विजय माल्या के रिश्तों पर बड़ा खुलासा हुआ है।